इसमें जिम्मेदारी और कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसा ऐसे दोनों फैक्टर्स है। क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य के ऊपर भरोसा दिखाते हैं तो शिष्य के लिए ये आनंद देने वाली बात तो है ही, और शिष्य को पता चलता है कि ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। बट एट द सेम टाइम जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक थर्ड फैक्टर है कि वो जो मोटिवेशनल फैक्टर है। क्योंकि गुरु जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं शिष्य को तो वो एक प्रकार का मोटिवेशन रहता है शिष्य के लिए, और रियाज करे और प्रयास करे। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंट्स, जिम्मेदारी और मोटिवेशन। माय में गोविंद लीनो नाटक में काम भी करते थे। तो इसलिए क्लासिकल म्यूजिक और नाट्य संगीत की एक परंपरा चलती आ रही है हमारे घराने में थ्रू जेनरेशंस। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे गाते थे। उन्होंने मैं जब मुझे बचपन में थोड़ा बहुत उन्होंने शुरू शुरू में सिखाया भी है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। और हालांकि वो परफॉर्मर नहीं थे, महफिल में तो नहीं गाते थे, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ थी। स्पेशली नाट्य संगीत और बाल गंधर्व के नाट्य संगीत के बहुत वो एक भक्त थे और उनके गाने बहुत अच्छी तरह से गा सकते थे। तो ग्रेट ग्रैंडफादर से लेके थ्रू आउट द जनरेशन से क्लासिकल म्यूजिक और नाट्य संगीत की परंपरा हमारे घर में ऐसे चलती आ रही है। बाल गंधर्व जी और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भाटे बुआ जी, ये दोनों कॉन्टेम्पररी थे, एक ही जमाने के थे।
और दोनों ही संगीत नाटक में काम करते थे, उनकी खुद की कंपनियां थी संगीत नाटक की। तो उस वो जमाना ऐसा था, मुझे बताया गया है कि उनका बाल गंधर्व जी का हमारे घर में भी आना जाना था। वो दोनों एक दूसरे के परफॉर्मेंसेस को तो जाते ही थे। और मुझे ऐसा बताया गया है कि बहुत एक रिस्पेक्टफुल उनकी रिलेशनशिप थी। बाल गंधर्व जी एज यू सेड इज अ लेजेंड। तो भाटे बुआ जी को उनके प्रति बहुत आदर था, बहुत सम्मान था। और बाल गंधर्व जी भी मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को बोलते थे कि आप भी रंगमंच पे बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आई थिंक उनका बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छा एक दूसरे के प्रति सम्मान भरी रिलेशनशिप थी। मेरे गुरु पंडित भीमसेन जी ने खुद तैयार किया हुआ एक राग है कलाश्री, जिसमें रागेश्री और कलावती ये दोनों रागों का मिश्रण है। तो कलाश्री में एक बंदिश की झलक प्रस्तुत करता हूँ। रे देखा
भाग सुहाग तेरो तू पिया के मन भाई, तू पिया के मन भाई, जन जन भाग सुहाग तेरो, जन जन भाग सुहाग, भाग सुहाग, भाग सुहाग। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सभी गुरु बहुत आदरणीय और वंदनीय मिले। मेरे पहले गुरु थे चंद्रशेखर देशपांडे जी। बालगंधर्व के ऑर्गन वादक श्री हरिभव देशपांडे के सुपुत्र चंद्रशेखर देशपांडे। तो मैं जब बहुत बचपन में उनके पास गया, मैं बहुत छोटा था तब। घर में जैसे मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि मुझमें थोड़ा बहुत स्वर ज्ञान है, तो उन्होंने मुझे देशपांडे सर के पास भेजा। तो उन्होंने मुझे बालगंधर्व के सब गाने, उनकी गायकी बहुत अच्छी तरह सिखाई। और एक छोटे बच्चे को जैसा सिखाना चाहिए उनका, उसका वो एक एग्जांपल थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे सिखाया। तो मेरे छोटे मोटे फिर इनफॉर्मल कॉन्सर्ट्स भी हुआ करते थे उस टाइम। तो उसी दौरान टीवी पे भी मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ था नाट्य संगीत का। तो ये सब परफॉर्मेंस का जो बेसिक फाउंडेशन था, तो वो चंद्रशेखर देशपांडे सर ने मुझे सिखाया था। और जैसा मैंने नाट्य संगीत सीखना चालू किया, वैसा ही एक दो बरस में मैंने क्लासिकल सीखना भी चालू किया, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल म्यूजिक एज वी नो। तो कोई भी गाना गाना है तो शास्त्रीय संगीत की बैठक बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्रीय संगीत में मेरे पहले गुरु थे पंडित यशवंत बुआ मराठे। उन्होंने राग संगीत क्या होता है, अलग अलग राग कैसे गाए जाते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस कैसे होते हैं, तो इस प्रकार का शास्त्रीय संगीत का सब फाउंडेशन मेरा तैयार करके ले लिया। और एक बहुत मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो मुझे दी, जब वॉइस ट्रांजिशन का फेज रहता है तो उस ट्रांजिशन फेज में बहुत अलग किस्म का रियाज करना पड़ता है, जैसा खर्च का रियाज है, ओंकार साधना है। तो वो जो 3-4 बरस रहते हैं वो एक गायक के आयुष्य में बहुत ट्रिकी रहते हैं। तो उस ड्यूरेशन में एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिलना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। और मराठे गुरुजी ने मुझसे वो सब तालीम करके ले ली। तो मैं सदैव ऋणी रहूँगा देशपांडे सर का और मराठे सर का, जिन्होंने मेरा बेसिक फाउंडेशन म्यूजिक का तैयार किया, विच एक्चुअली एनेबल्ड मी टू गो टू पंडित भीमसेन जी लेटर। पंडित भीमसेन जी का गाना मैं बचपन से सुनता आ रहा था और मेरे मन पे बहुत इफेक्ट कर गया था उनका गाना उस एज में भी। और मैं जब बचपन में बालगंधर्व जी के नाट्य संगीत गाता था, तब भीमसेन जी के घर जाके उनको मैंने एक दो गाने सुनाए थे। तो भीमसेन जी खुद बालगंधर्व जी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और जैसा गुरु के स्थान पे ही मानते थे उनको। तो इसलिए उन्होंने बचपन में जब मैं उनके घर में गया था तभी बहुत प्रोत्साहित मुझको किया था। और बाद में जब मैं उनके पास गया, मैं 17 वर्ष का था और पिताजी मुझे लेके गए उनके पास और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे
अभी संगीत सीखना है और आपसे ही सीखने की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने थोड़ा सोच लिया, मैंने उन्हें वहाँ तक जो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा था तो वो उनको गा के दिखाया। मुझे याद है मैंने राग ललित में कुछ ख्याल और द्रुत बंदिश उनको गा के सुनाई थी। तो एक दो दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया और वो बोले कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ तालीम अच्छी होने से पहले प्रोग्राम्स के पीछे दौड़ना नहीं है, तो ये अगर तुम्हें ओके है तो तुम आ सकते हो। तो मेरे लिए वो तो बहुत छोटी बात थी, प्रोग्राम उस टाइम करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। पंडित भीमसेन जी के पास से सीखने को मिलना, जिनको मैं बचपन से आइडॉल मानता आ रहा था, तो उनके पास से डायरेक्ट सीखने की जो मुझे अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। वो मेरे म्यूजिक करियर का एक टर्निंग पॉइंट था कि जब भीमसेन जी ने मुझे डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया। देखिए, किराना घराने की जो गायकी है वो स्वर प्रधान गायकी ऐसा माना जाता है। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि लय और ताल को कुछ महत्व नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन सुर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तानपुरी के साथ अपना सुर मिला लेना, जैसे कि तानपुरे से वो एक रूप अपना सुर हो, तो इस आस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और सुरों का इफेक्टिवनेस, जैसा भीमसेन जी ने भी उनके इंटरव्यू में वो बोला करते थे कि उन्होंने जब अब्दुल करीम खान साहब का गाना पहले सुना तो वो जो इफेक्ट उनके मन पे हुआ तो उनके मन में बैठ गया कि मुझे ऐसा गाना है। तो ये जो सुरों का इफेक्टिवनेस है वो किराना घराने की बहुत स्पेशलिटी है समझे लगता है। और पंडित भीमसेन जी के बारे में तो हम कहते ही हैं कि उनके सुरों का इफेक्टिवनेस यानी उनको स्वर सिद्धि प्राप्त थी। और जब वो सुर लगाते थे तो पहले सुर से ही जो वातावरण बन जाता था, तो आई थिंक वो किराना घराने की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी भीमसेन जी के गाने में थी। और वो स्वर सिद्धि का हमें बहुत बार एक्सपीरियंस होता था। और स्वर लगाव भी बहुत अलग अलग तरीके से वो करते थे। शास्त्रीय संगीत गाते वक्त अलग स्वर लगाव था, ठुमरी गाते वक्त अलग स्वर लगाव था। ठुमरी में भी जिस प्रकार की ठुमरी है उस हिसाब से स्वर लगाव बदल जाता था। तो इसमें मुझे याद आता है जोगिया की ठुमरी किराना घराने में बहुत फेमस है, खास साहब की भी रिकॉर्ड है, सवाई गंधर्व जी भी गाते थे, भीमसेन जी भी गाते थे, तो वो उसमें ये स्वर लगाव का एक वो उदाहरण है ऐसा मैं मानता हूँ। तो वो जोगिया ठुमरी का पिया मिलन कियास, तो ये ठुमरी का मैं एक झलक दिखाता हूँ। सगरों जो
बढ़ते सगरों जो के मिलन के आस मेरा पार्ट था, और उसके बाद उनको वो डॉक्यूमेंट्री में पूछा गया था कि आपके शिष्य कौन कौन हैं, तो उस टाइम उन्होंने मेरा नाम लिया था और ऐसा बोला था कि ये आनंद है और मुझे इसके ऊपर भरोसा है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात थी। और जैसा मैंने कहा कि मुझे उनके पास से सीखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो मैं मेरे करियर की और मेरे जीवन की बहुत बड़ी बात मानता हूँ। और उसमें उनके जैसे गुरु ने जब गुरु जब बोलते हैं कि मुझे इस शिष्य पर भरोसा है, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जैसा पहले मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्प्लीमेंट भी है, जिम्मेदारी का भी एहसास है और एक मोटिवेशन भी। मुझे लगता है कि पंडित भीमसेन जी जैसे एक सच्चे कलाकार थे, वैसे ही एक सच्चे इंसान थे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे लेकिन एरोगेंट नहीं थे। जो कुछ दिल की बात है वो साफ साफ कह देते थे, तो कहने के लिए एक बात और दिल में कुछ दूसरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और उनके व्यक्तित्व से ही बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती थी। उनके कला के ऊपर जो श्रद्धा थी, निष्ठा थी, और गुरु के ऊपर जो निष्ठा थी, वो देखने मिलती थी हमें हर क्षण। मुझे याद है कि जब वो श्रीनिवास खड़े जी के कंपोज किए हुए कुछ भजन का एल्बम करने वाले थे, तब नए कंपोजिशंस सीखने के लिए श्रीनिवास खड़े जी पंडित जी के घर में आके रहते थे, और पंडित जी खुद बहुत ऊंचे स्थान पर थे उस टाइम। लेकिन फिर भी जब कोई नया कुछ सीखने की उम्मीद फिर भी उनमें कायम थी,
और जब वो नए कॉम्पोजिशंस खड़े जी से सीखते थे, जानकारी लेते थे, तब बहुत ऑनेस्टली करते थे। ऐसा नहीं था कि आप मुझे कुछ सुनाइए फिर मैं मेरे हिसाब से वो गाता हूँ, ऐसा नहीं था। तो श्रीनिवास खरे जी को वो कॉम्पोजिशन में जो कहना है वो समझ के लेते थे और खुद का समाधान होने तक और श्रीनिवास खरे जी का समाधान होने तक वो रियाज उनका चलता रहता था। तो वो एक बहुत देखने लायक चीज़ थी कि इतने बड़े स्थान पे होकर भी उनके पांव जमीन पे थे, और ये आई थिंक एक कलाकार की एक बहुत बहुत एक हर एक कलाकार में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसका एहसास मुझे उस समय। हमारे घर में जैसा गाने का एटमॉस्फेयर था वैसे ही एकेडमिक्स का भी एटमॉस्फेयर था। मेरी मेरी माँ मैथमेटिक्स की प्रोफेसर थी और इसलिए गाना और स्कूल का जो 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 शिक्षा थी मेरी स्कूल की, तो वो पैरेलल चलता था जब मैंने बचपन में गाना सीखना चालू किया। और घर में ऐसे संस्कार थे कि दोनों में उतने ही एफर्ट्स करने चाहिए, और हालांकि गाने में मुझे वो दूरदर्शन के प्रोग्राम के बाद बहुत बहुत फेमस हो गया था मैं एक एक पॉइंट पे, लेकिन उस टाइम भी संस्कार ऐसे थे कि जो एकेडमिक्स है उसके ऊपर दुर्लक्ष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आई थिंक मैंने वो दोनों पैरेलली चालू रखा। और जब मैं भीमसेन जी के पास गया तब उन्होंने भी मुझे दोनों शुरू रखने के लिए प्रोत्साहित किया, तो वो बहुत एक बड़ी बात थी, उनका ओपन माइंड था इस बारे में। तो वो खुद लोगों को बोलते थे कि आनंद एमटेक कर रहा है और मेरे पास गाना भी सीख रहा है, तो उनको अच्छा लगता था, और उनके सपोर्ट के वजह से मैं ये दोनों चीज़ें पैरेलल कर सका। और बहुत बड़ी चीज़ है कि बचपन से लेके अभी तक मुझे फैमिली सपोर्ट जो मिला है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे मेरी दोनों बहनें भी गाती थी, मेरे माँ बाप का सपोर्ट था ये दोनों चालू रखने के लिए। और बाद में मैं आईटी में सर्विस भी करता था जिनसार टेक्नोलॉजीज में, और अभी मैं फुल टाइम म्यूजिक कर रहा हूँ। तो ये जो सब ट्रांजिशंस है, तो जब सर्विस कर रहा था तब भी मेरी वाइफ का मेरे बेटे का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि तो मेरा बहुत टाइम जाता था दोनों करने में, आईटी फील्ड और म्यूजिक दोनों टाइम कंज्यूमिंग फील्ड्स है। और जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी पूरा फुल टाइम गाने के फील्ड में आना है, तो ये जो सब मेरी जर्नी रही है, तो फैमिली सपोर्ट इज आई थिंक वन थिंग ड्यू टू विच मैं कर सका, आई एम एबल टू डू इट अप टू नाउ। बाल गंधर्व जी जैसे लेजेंड के ऊपर इस जमाने में फिल्म बनना, यही बहुत बड़ी बात है, और इसका श्रेय सुबोध भावे को जाता है जिसका ये कंसेप्ट था और उन्होंने खुद मेन भूमिका बाल गंधर्व जी की ये फिल्म में की है। और म्यूजिक डिपार्टमेंट में आई थिंक ये फिल्म की विशेषता ऐसी है कि परंपरा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये दोनों का बहुत अच्छा मिश्रण इस फिल्म में देखने को मिलता है, और इसमें तीन चार नए गाने हैं, उसके कंपोजर कौशल इनामदार है, आदित्य ओक सह संगीतकार है। और ये जो सब हमारी म्यूजिक डिपार्टमेंट की टीम बनी हुई थी, मुझे प्लेबैक देने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम एक पैशन से काम कर रहे थे कि बाल गंधर्व जी के ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, तो उनका जो ग्रेटनेस है वो बरकरार रहे, हमारे वजह से उसमें कुछ कमी ना रह जाए। तो ये बहुत एक पैशन के साथ ये फिल्म हुई थी, और आज के यंग जनरेशन के हिसाब से
अपना जो संगीत नाटक का ट्रेडिशन है, नाट्य संगीत का ट्रेडिशन है, तो ये फिल्म के माध्यम से उनके तरफ वो पहुंचा। और बहुत लोग हमें अभी आके बोलते थे कि ये फिल्म देखने के बाद हम नाट्य संगीत अभी सुनना हमने चालू किया है, अभी शास्त्रीय संगीत भी सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात ये फिल्म के माध्यम से हुई। और जो नेशनल अवार्ड के का आपने जिक्र किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो नेशनल अवार्ड से मुझे ऐसा लगा कि जो एक मराठी फिल्म में हमने किया था उसका नेशनल लेवल पे एक अप्रिसिएशन मिला, तो इसलिए वो नेशनल अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें तो वो अवार्ड मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि जो कुछ हमने किया है वो नेशनल लेवल पे भी उसका लोगों को अच्छा लगा है, तो वो बहुत बड़ी बात है।